Hello everyone. In our previous video, we have seen about CSS. We have started with CSS, that is cascading style sheet. हम लोगों ने देखा था कि CSS क्या होता है. तो HTML में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कोड लिखते हैं और वो ब्राउजर पे अपियर होता है. अभी उस कोड को अगर हमें उस वेब पेज को सुंदर बनाना है तो हम लोग CSS को यूज करेंगे. सुंदर बनाने का मतलब क्या हुआ, उसको कलर इफेक्ट देने का है, उसको एक पर्टिकुलर पार्ट में वेब पेज के किसी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, टॉप पे, वहां पे उसको रखना है, उसकी हाइट ब्रिथ चेंज करनी है, तो सब कुछ हम लोग CSS के थ्रू कर सकते हैं. आपने HTML में देखा है कि हम लोगों ने वो चीज की हुई है, बट HTML के थ्रू बहुत ही लिमिटेड हम लोग अगर उसे, जैसे मैंने बताया कि उसे एक इफेक्ट देना है, वो लिमिटेड ही है HTML में. तो CSS हमें यूज करना पड़ता है ताकि हम उसको कोई भी इफेक्ट दे सके. हमारे HTML या वेब पेज को हम लोग को कोई इफेक्ट देना है तो लास्ट वीडियो में मैंने CSS के ऊपर एक जो पोस्ट किया था वीडियो, उसके अंदर मैंने मेंशन किया था CSS क्या होता है. एंड CSS जो होता है तीन टाइप के होते हैं, एक इनबिल्ड होता है, एक एम्बेडेड होता है और एक एक्सटर्नल होता है. तो एम्बेडेड में हम लोग क्या करते हैं, जिस पेज में हम लोगों ने HTML के कोड लिखे उसी पेज में ऊपर में हम लोग CSS का कोड लिखते हैं. एक्सटर्नल में हम लोग CSS को दूसरे शीट में लिखते हैं और उसको लिंक के थ्रू हम लोग अटैच करते हैं. एंड जो हमारा इनबिल्ट रहता है CSS, उसमें हम लोग जिस लाइन में हमें इफेक्ट देना है उसी लाइन में CSS का कोड लिख देते हैं हम लोग. तो इस टाइप से CSS के तीन टाइप्स होते हैं, इनबिल्ट, एक्सटर्नल एंड एम्बेडेड. आज हम लोग दूसरा एक छोटा सा प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें कि मैं एम्बेडेड CSS को यूज करूंगा और उसके अंदर हमें दो चीज देखनी है कि आईडी क्या होता है एंड क्लास क्या होता है. तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं, मैं HTML बॉडी की वेलकम टू टेकफिनिक्स. Welcome to Tech Phoenix. And HTML. अगर मैंने इसको सेव किया, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, CSS task या जो भी है, 6.html. अभी मैं इसको ओपन करता हूं एंड लेट्स सी कि क्या आ रहा है. तो यहाँ पे वेलकम टू टेकफिनिक्स लिखा हुआ आ रहा है. अभी मुझे इसे कुछ इफेक्ट देना है. मैं इफेक्ट क्या देने वाला हूँ, अभी हम लोग CSS स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ज्यादा हम लोग उसको नहीं बताएंगे कि बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बट CSS का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके वजह से मैं इजी जाता हूँ. तो मैं CSS के थ्रू इसको मैं सेंटर अलाइन करूंगा वेलकम टू टेकफिनिक्स को, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है. एंड मैं लेट मी जूम इट, इसको जूम कर लेते हैं हम लोग. वेलकम टू टेकफिनिक्स जो दिख रहा है आपको, उसे मुझे सेंटर अलाइन करना है और उसको एक रेड कलर देना है मुझे. खाली इतना ही करते हैं हम लोग. तो कैसे करेंगे, तो ये जो बॉडी का पार्ट है हमारा, ये इसके ऊपर मैं CSS का कोड लिखने वाला हूँ. CSS का कोड को हम लोग हेड, एक हमारा टैग रहता है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे और हेड टैग के ऊपर में हम लोग एक स्टाइल टैग इंप्लीमेंट करते हैं. स्टाइल, अभी ये जो है इसको क्या लिखेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS. अभी मैं क्या करता हूं कि जो मुझे इसे इफेक्ट देना है, तो मुझे किसको देना है, इसको इफेक्ट देना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी डिक्लेयर करूंगा. आईडी इज इक्वल टू से पैरा 1, ये मेरा आईडी का नाम है. अभी मैं यहाँ पे वो आईडी क्रिएट करता हूँ स्टाइल टैग के अंदर. यहाँ पे स्टाइल मैं फिनिश करता हूँ, तो स्टाइल फिनिश हुआ. अभी इसके अंदर मैं CSS का कोड लिखूंगा. तो
पी पैराग्राफ में वेलकम टू टेक फिनिक्स को मुझे इफेक्ट क्या देना है कि वो वेब पेज के ऊपर सेंटर में आना चाहिए और रेड कलर होना चाहिए। तो मैं इसको एक आईडी दिया है मैंने, आईडी का नाम है पैरा वन। तो मैं इसके अंदर सीएसएस का कोड लिखूंगा पैरा वन के अंदर। तो आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं, पैरा वन। अभी इसको क्या है, टेक्स्ट अलाइन क्या किया, सेंटर किया, एंड फॉन्ट का कलर क्या देना है मुझे, रेड देना है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी स्टाइल के अंदर ये मेरा सीएसएस कोड है, यहाँ तक इसको कि हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है मैंने, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड कलर रेड, ये किसको इंप्लीमेंट होगा, तो बॉडी को इंप्लीमेंट होता है ये। बॉडी मतलब हमारा मेन जो एचटीएमएल का कोड है वो। तो बॉडी के अंदर मैंने एक ही लाइन लिखी है पैराग्राफ के अंदर, वेलकम टू टेक फिनिक्स। तो अभी इसके बाद क्या होगा, वेलकम टू टेक फिनिक्स जो है उसमें एक आईडी जो डिक्लेयर किया पैरा वन, उस आईडी को के कंटेंट को सेंटर अलाइन करना है उसको, एंड कलर भी देना है रेड। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं वो वाला विंडो ओपन करता हूँ, लेट्स सी हो रहा है क्या। आप देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू टेक फिनिक्स सेंटर में आ गया, और उसका कलर जो है वो रेड हो गया है। इसी वजह से अगर आपको उसको दूसरा कलर देना है तो सीएसएस में खाली चेंज करना है, सपोज मुझे उसे येलो कलर देना है, से मैं येलो कलर दे सकता हूँ उसको। अभी मैं उसको सेव करता हूँ, वापस से इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये येलो कलर हो गया। मुझे अगर उस पेज को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर सपोज मुझे रेड रखना है तो रेड, इसको मैंने तो ये यहाँ पे खाली इसको चेंज हुआ क्योंकि वो टैग जो है हमारा, ये जो वेलकम टू टेक फिनिक्स ये पैरा में मैंने अप्लाई किया है, तो इतने पार्ट को ही ये कलर चेंज हो रहा है। अगर मुझे पूरे को करना है तो यहाँ पे बीजी कलर करके मुझे करना पड़ेगा। फिलहाल हमें बैकग्राउंड कलर का जब आएगा तब बताएंगे, फिलहाल हम लोग जो अभी यहाँ पे है वो हम लोगों ने देखा है। तो इस वजह से आप कोई भी वेब पेज के ऊपर जो भी आपको इफेक्ट्स देने होते हैं कंटेंट को, आप सीएसएस के थ्रू इस वजह से आप दे सकते हो। तो ये जो मैंने बताया ये आईडी के थ्रू बताया। इसी वजह से हमारे पास दूसरा भी एक चीज है जिसको हम लोग क्लास बोलते हैं। दोनों सीएसएस के ही पार्ट है, आईडी भी और क्लास भी। तो अगर सेम चीज मुझे इसके थ्रू करना है, क्लास के थ्रू करना है, तो कैसे करेंगे, इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक क्लास का नाम लिखा यहाँ पे, क्लास इज इक्वल टू से सेंटर, मैंने नाम दिया क्लास को। और मैंने एक और इसके अंदर कंटेंट लिख दिया H1 करके, H2 करके लिख दिया कंटेंट मैंने, H2। उसमें कंटेंट में क्या लिखा, लर्निंग इजी। लर्निंग इजी क्लास, इसको भी एक क्लास देता हूँ, सेम क्लास देता हूँ मैं सेंटर, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लास दिया इसको, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये करेगा क्या आउटपुट में, और उसके बाद फिर हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये क्लास जो रहता है उसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, जैसे आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं वैसे क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं। तो सेंटर हो गया, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसका नाम देते हैं हम लोग सीएसएस असाइनमेंट 7.html। ये इफेक्ट दिया मैंने, इससे सेव किया। अभी मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ। तो फिलहाल ये क्या करेगा, तो इसका इफेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास पी टैग के अंदर वेलकम टू टेक फिनिक्स है, एंड H2 जो है लर्निंग इजी है, तो ये दोनों आने चाहिए वेब पेज के ऊपर, और दोनों का सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए, और कलर जो होना चाहिए वो येलो होना चाहिए। मैं येलो से रेड कर देता हूँ उसका कलर, ताकि वो विजिबल इजिली होगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं दोनों स्टेटमेंट में ऐसा
इफेक्ट आना चाहिए सेंट्रल लाइन एंड रेड का. तो क्या करेंगे हम लोग, रन करेंगे उसको एंड वी विल सी वेदर वी आर गेटिंग दैट और नॉट. यहाँ पे देख सकते हो आप वेलकम टू टेक फिनिक्स है एंड लर्निंग इजी आ रहा है. अगर आपको दूसरा कुछ देना है तो यहाँ पे आप H1 कर लो एंड यहाँ पे टैग में फिर H1 कर लो. ये तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहा हूँ, वरना पहले वाला भी करेक्ट था. P कर लो एंड यहाँ पे भी P कर लो. अब इसको सेव किया, इसको रन करते हैं हम लोग. तो वेलकम टू टेक फिनिक्स लर्निंग इजी ये हो गया. तो क्या किया इसके अंदर मैंने, पिछले वाले प्रोग्राम में जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आईडी था, तो मैंने इस टैग को मुझे कुछ इफेक्ट देना है इसलिए मैंने वहां पे एक आईडी डाल दिया और आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो हैश और जो भी आईडी का नाम है पैरा वन, तो पैरा वन हो गया. ठीक है, अभी उसे मुझे क्लास में को हम लोगों ने सेंटर से डिनोट किया है, तो सेंटर और क्लास को हम लोग डॉट से स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस क्या होता है आईडी और क्लास के अंदर, तो आईडी जो होता है वो एक लाइन में अगर हमें कुछ इफेक्ट देना है तो हम लोग आईडी से डिनोट करते हैं, या एक ही जगह पे देना है तो आईडी से. बट एक प्रोग्राम में बहुत सारे लाइन है, बहुत सारी चीजें हैं और वहां पे दो तीन जगह पे हमें वही सेम इफेक्ट देना है, तो हम लोग उसे क्लास से डिनोट करेंगे. ठीक है, अभी दूसरी चीज, यहाँ पे जो मैंने इसको क्लास से डिनोट किया यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, जो ये इफेक्ट है सेंटर एंड रेड, ये मुझे खाली H1 को नहीं, मुझे P को ही देना है ये इफेक्ट, H1 को इफेक्ट नहीं देना है वो. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये चीज जो है वो खाली P टैग को ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए. मैंने क्या किया, P डॉट सेंटर. तो अभी क्या होगा, जो मेरा पैराग्राफ वाला टैग है उसी के ऊपर ये इंप्लीमेंट, ये चीज इंप्लीमेंट होगी. तो अभी हम लोग देखते हैं, तो P में क्या है, लर्निंग इजी. कंटेंट क्या है, लर्निंग इजी. तो लर्निंग इजी वाला जो कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा और उसे कलर रेड हो जाएगा. और जो H1 वाला टैग है वो क्या होगा, वेलकम टू टेक फिनिक्स है, वो जो रहेगा वो नॉर्मल फॉन्ट में रहेगा, वो सेंटर अलाइन भी नहीं होगा और रेड भी नहीं होना चाहिए. सो लेट्स सी वेदर हो रहा है क्या ऐसा. तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो वेलकम टू टेक फिनिक्स जो है वो वैसा का वैसा है और लर्निंग इजी जो है वो सेंटर में आ गया. मतलब वो जो इफेक्ट है CSS का वो खाली सेंट, वो जिस पी डॉट डाल दिया मतलब पी टैग को ही वो इंप्लीमेंट हो रहा है. तो एक होता है आईडी जिसे हम लोग हैश से डिनोट करते हैं और एक होता है क्लास जिसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं. और आईडी जो होता है एक पर्टिकुलर जहाँ पे हमें एक लाइन है या कोई पैराग्राफ है अगर एक ही जगह पे यूज करना है तो हम लोग एक ही जगह को इफेक्ट देना है हमें, तो हम लोग आईडी यूज करेंगे. बट क्लास जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, एक ही इफेक्ट हमें दो तीन जगह पे वेब पेज पे देना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्लास से डिनोट करके हम लोग वो दे सकते हैं. आईडीज फॉर स्मॉल वीकेंड्स एंड क्लासेस फॉर लार्जर वन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ आईडी एंड क्लास. अगेन आई विल रिपीट कि जो सीएसएस का तीन टाइप होते हैं, इनबिल्ट, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल, उसमें से कौन सा यूज किया हम लोगों ने, हम लोगों ने एम्बेडेड यूज किया. क्यों एम्बेडेड यूज किया है, मतलब कैसे मालूम पड़ा हमें एम्बेडेड यूज किया है, तो ये हमारा HTML का कोड है, यहाँ पे हमने ऊपर में ही CSS का कोड लिखा हुआ है, तो ये जो हो गया है वो एम्बेडेड हो गया हमारा. सेम थिंग जो पिछले वाला प्रोग्राम था उसमें भी देख सकते हैं, ये हमारा HTML का कोड है और ये हमारा ऊपर में CSS का कोड है, तो इसे हम लोग क्या बोले, ये हमारा एम्बेडेड CSS है, टाइप जो है वो एम्बेडेड CSS है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. फॉर एनी डाउट यू कैन राइट द कमेंट सो दैट आई विल गिव यू द आंसर.